सो गाइस सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर जो कि 2018 के अंदर एक कमाल का डिवाइस रहा सैमसंग की तरफ से। अब क्योंकि 4G की स्टार्टिंग थी और ये डिवाइस 4G के अंदर था और इसकी प्राइस भी काफी कम थी, यानी कि आप इसे 5000 से 6000 के अंदर बाई कर सकते थे जो कि काफी अच्छी बात थी। और सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन था तो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। लेकिन भाई अब सैमसंग ने तैयारी कर ली इसी के अपग्रेड वर्जन यानी सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 को लॉन्च करने की, जो कि डिवाइस मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पॉपुलर होगा फिर से। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तभी सारी सच्चाई आपको पता चल पाएगी क्या होगी इसकी प्राइस सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 की, क्या स्पेसिफिकेशन और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन के साथ, सब कुछ सैमसंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट सैमसंग पर सब कुछ बता दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो ही गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो गाइस नाम से तो आपको कंफर्म है कि सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 यानी कि जे टू कोर का ही एक अपग्रेड वर्जन होगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहां पर जो भी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस निकल कर आए हैं मुझे नहीं लगता कि आप उससे ज्यादा खुश होने वाले हो या फिर 2020 के अंदर ये स्मार्टफोन चलने वाला भी है। और उसी के देखते हुए सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 यानी जो अब लॉन्च होगा उसकी भी प्राइसिंग काफी कमाल की रखी है, जिससे बहुत ही कम प्राइस के अंदर सभी लोग बाय कर पाए। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात कर ले इस स्मार्टफोन मतलब सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर आपको 5 इंच की एक डिस्प्ले मिलेगी जो कि कॉम्पैक्ट साइज की या फिर बोले तो छोटे साइज की डिस्प्ले हो जाती है, जहां पर आपको एलसीडी पैनल देखने को मिल जाएगा। और भाई ये जो एलसीडी पैनल होगा ना वो होगा QHD, जी हां क्वाड एचडी नहीं होगा, आप क्वाड एचडी कंफ्यूज मत हो जाना, QHD यानी कि यहां पर एचडी से थोड़ा सा यहां पर कम होता है। और गाइस अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर एक्सोनोस का 7570 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 1.4 गीगाहर्ट्ज पर बेस होगा। साथ में अगर रैम और स्टोरेज ऑप्शन को देख ले तो गाइस यहां पर आपको 1GB यानी 1GB का आपको रैम देखने को मिल जाएगा, साथ में 16GB का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात की यहां पर आप इसे एक्सपेंड करके ना 565GB तक बढ़ा सकते हो एसडी कार्ड की मदद से, बिकॉज यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि ये कम प्राइस के अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर आने वाला है, तो यहां पर आपको बैक साइड में सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक लेंस देखने को मिल जाएगा F2.2 अपर्चर पर, और उसी के नीचे आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से आप डिजाइन लीक इमेज में देख ही सकते हो। और गाइस अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहां पर आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का। और गाइस अगर इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आप फुल एचडी यानी 1080p 30fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन भी आपको 5G के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा कम है और प्रोसेसर को आप देख सकते हो, तो ऑब्वियसली यहां पर 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगी। और फाइनली अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में तो यहां पर आपको 2600mAh यानी 2600mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है। और गाइस सैमसंग ये दावा करती है कि इस स्मार्टफोन के स्क्रीन पर अगर आप 12 आवर यानी 12 घंटे तक वीडियोस देखते हो तो लगातार इस 2600mAh की बैटरी से देख सकते हो और 22 घंटे तक लगातार आप बातें कर सकते हो। और गाइस ये जो बैटरी होने वाली है वो नॉन रिमूवेबल नहीं होगी, यहां पर ये बैटरी रिमूवेबल होगी यानी आप इसे निकाल सकते हो। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है यानी सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020 क्या ये आपको लेना चाहिए और इसकी प्राइस क्या कुछ देखने को मिलने वाली है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर जो कि आपको 2018 के अंदर देखने को मिला था और ये स्मार्टफोन 2020 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर 2020, इसमें बहुत बड़ा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल ही फोन सेम है। हाँ यहां पर आपको इंटरनल स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जी हाँ गाइस, क्योंकि ये स्मार्टफोन भी आपको ओल्ड एंड्रॉइड ओरियो पर ही देखने को मिलता है जो कि 2018 में भी बिल्कुल सेम देखने को मिला था। और साथ में यहां पर आपको डिजाइन और स्क्रीन भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है 2018 से, और यहां पर आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं बहुत ही मोटे मोटे, तो गाइस यहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको मेन अपग्रेड देखने को मिलता है बस यहां पर इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलता है, यहां पर 8GB से 16GB कर दिया गया, बाकी बिल्कुल स्पेक्स सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर चलने वाला है। लेकिन फाइनल अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में तो गाइस सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड हो चुका है कि ये डिवाइस आपको 1GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ 6299 के करीब देखने को मिल जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज आप 1000-2000 अधिक देकर यहाँ पर रेडमी और रियलमी के काफी अच्छे स्मार्टफोन ले सकते हो जहां पर आपको कैमरा बैटरी बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजें डिस्प्ले वगैरह काफी कमाल की मिलती है। हालांकि नीचे कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हम ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।